जवाब दिया दूसरी शादी। दूसरी शादी की बात तो हमें कैसे करें? क्यों दूसरी शादी हम कभी नहीं करेंगे? क्यों दूसरी शादी? अरे देखो महाराज, जो तुम्हारे सर पे ये निर्बंसी राजा का कलंक लगा हुआ है, वो कलंक तुम्हारा दूर हो जाएगा, लोग तुम्हारा सम्मान करना सीख जाएंगे, समाज में तुम्हें जीना सिखा जाएगा। स्त्रियां तो यह कहा करती है कि हमें मौत मिल जाए लेकिन सौत ना मिले, और तुम दूसरी शादी की बात कर रही हो। दो दो शादी करने वाले कभी सुखी नहीं रहे, दो शादी करने वाले हमेशा दुखी रहते हैं, और तुम दूसरी शादी की बात कर रही हो। देखो एक बात बताएं पिया, सौत उसको मंजूर नहीं होती है जो अपने घर में खुद राज करे। और मैं सौगंध खा के कहती हूँ कि जो बहन मेरे घर में आएगी मैं उसे कभी अपनी सौत नहीं समझूंगी, और मैं कभी उससे कभी बात विवाद नहीं करूंगी, मुझे वो जैसा फटा पुराना पसंद देगी, केवल मैं उसी में गुजारा करूंगा। नहीं रानी, माता बहनों भाई बंधु, ये कथाएं इसीलिए सुनाई जाती हैं कि कैसे कैसे विद्वान हुए, कैसे कैसे धर्मात्मा हुए। देखो अगर तुम्हारा धर्म बच गया तो तुम्हारा सब कुछ बच गया है? अगर तुम्हारा धन बच गया, वो धर्म बच गया तो सब कुछ बच गया, और अगर तुम्हारा धर्म गया तो तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा है? धन गया हुआ वापस मिल जाएगा, लेकिन अगर धर्म चला गया तो जिंदगी में कभी वो पुनः वापस नहीं मिलेगा। आज मैं उसी में गुजारा कर लूंगी, लेकिन पिया आप एक ही काम कर लो, मेरे कहने से आप अपनी दूसरी शादी कर लीजिए। नहीं देवी, हम अपना दूसरा विवाह कभी नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। लेकिन समझ गई मैया, बोले मेरे महाराज मेरे कहने से दूसरी शादी नहीं करेंगे। नौकर के पास न पहुंची और नौकर से जाकर के सारी बातें कही, तब नौकर ने महाराज उत्तानपाद से जाकर के कहा कि महाराज हमें भी अच्छा नहीं लगता है तुम्हारे घर में, क्योंकि एक आंगन में तुम्हारे भी पुत्र नहीं है, इसलिए आप मेरे कहने से आप अपनी शादी कर लीजिए। तो राजा मजबूर हो गए। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, पहले के राजा अपनी पत्नी की बात ना मान कहते, वो अपने नौकर की बात को मान लेते थे। और आज के राजा परीक्षित महाराज कैसे मालूम? आज के राजा ऐसे हैं कि अगर पिता ने कह दी कि लला बाजार को जा रहे हो तो निके को झंडू बाप पकड़े आइए, सर में दर्द हो रहा है, तो लला ने मन बना लो के ले आए। ओपे जो ने इतना तो मैं मौत में पाए रहते हैं, और उन्होंने जो नहीं कबली उठाई कर जो झंडू बाप आइए, तो तुम पूरी जिंदगी के लिए झंडू बाप ही बने रहोगे, इसलिए समझ लेना। हाँ तो देखो विचार रुपए से मोदुआ लेने जाओ रहो, और जो बाप घूमट में तो नेकावली उठिए वो बिल्कुल मरियो, बिल्कुल सूख गो, घूंघट की लाज कैसे कैसे इस भारत देश की मर्यादा कैसे खत्म होती चली जा रही है। मेरे भैया मंत्री से राजा उत्तानपाद एक बात बोले संभव।